Okay, let's try something different. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपके लिए लेके आए हैं हम एक नई वीडियो। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब दोस्त का बर्थडे होता है तो वो फ्रेंड को पार्टी नहीं देगा, लेकिन गर्लफ्रेंड को जरूर पार्टी देगा। उसके फ्रेंड के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन गर्लफ्रेंड के लिए जरूर पैसे होंगे। ऐसा ही एक हमारा दोस्त है जिन्हें हमें पार्टी नहीं दी, लेकिन अपने गर्लफ्रेंड के साथ होटल में गया था पार्टी देने, तो हम उसको कॉल करते हैं, मजे लेते हैं थोड़ा। पढ़ने वाला है। हेलो हेलो, हाँ जी सर, मैं होटल से बोल रहा था जहाँ आप परसों डिनर के लिए आए थे, पार्टी के लिए। अपनी एक मैम भी थी आपके साथ। जी जी सर, आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? काफी अच्छी थी आपकी सर्विस सर। एक प्रॉब्लम हो गई थी छोटी सी, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो गई सर? आप उस दिन आए थे ना पार्टी के लिए। हाँ जी। तो सर, वो जो वेटर था जो जिसने आपको सर्व करा था जी, तो सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं सर, डरने की बात नहीं है। नहीं नहीं, बताइए प्रॉब्लम क्या है सर। वो ऐसा है कि हमारे स्टाफ का जो बंदा था जिसने आपको सर्व करा था, सर आप पैनिक तो नहीं होंगे ना, गुस्सा तो नहीं करेंगे? अरे बता तो भाई पहले हुआ क्या है सर। ऐसा था, वो जो बंदा था वो कुछ दिन पहले अपने गांव से आया था। हाँ। तो सर हम उससे मेडिकल लेना भूल गए थे उसका। सो आगे? तो सर अभी कुछ दिन पहले पता चला, मतलब अभी हमको कल ही पता चला है कि उसको कोरोना है। What the क्या बोल रहे हो तुम? हम जब हम वहाँ पे आए, तुमने सारे मेडिकल लिए, सब कुछ किया, और तुमने अपने ही बंदों का मेडिकल टेस्ट नहीं करवा रखा है, ये क्या है भाई? सर आप पैनिक क्यों हो रहे हैं सर? सर कोई बड़ी बात नहीं। पैनिक भाई, छोटी मोटी बीमारी थोड़ी ना है, पैनिक सर्दी जुकाम थोड़ी ना है, पैनिक ना हो, कोरोना है भाई। तो मतलब कुछ दिमाग है तुम लोगों के अंदर, इतना बड़ा हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारी सर्विसिंग इतनी अच्छी है, बट तुमने क्या किया? एक मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया उस बंदे का? सर हम आपको अभी जानकारी दे तो रहे ना, आप अभी अपना टेस्ट करा लीजिए। अरे अभी जानकारी देने से क्या होता है भाई, मैं कितने लोगों से मिल चुका हूँ। सर हमने आपका नाम दे दिया है, आपके पास कभी भी टीम आती होगी। तुम्हारे नाम देने से क्या होता है भाई, दिमाग कॉमन सेंस है नहीं सर? आप इतना यार, मैं कितने लोगों से मिल चुका हूँ, मेरे इतने ऑफिस बिजनेस के टूर होते हैं, मैं 2 दिन में कहाँ कहाँ नहीं गया। बट सर इतनी अकल तो आपको भी होनी चाहिए ना कि कोरोना में बाहर खाने पार्टी करने नहीं जाते हैं। आप तो पहुंच गए अपनी मिसिज को लेके, गर्लफ्रेंड को लेके वहाँ। हेलो लिसन, जब आए थे तब तो तुम्हारे प्यार से बात कर रहे थे, अभी कोरोना अगर हो गया हमें और हमसे कितने और लोग हो गया तो क्या होगा भाई? क्या सर इसमें हमारी गलती नहीं है सर, हमें हम भूल नहीं भाई, गलती मेरी है, गलती ना पीएम मोदी की है जो पागल इतने टाइम से चिल्ला रहा है कि घर पे रहो होटल बंद करो। नहीं तुमने होटल खोलने है वहाँ, तो होटल खोलने के तुम्हें सबको कोरोना पॉजिटिव तुमने मरीज रखने हैं वहाँ, इसलिए खोला है क्या वो? सर हमारा हॉस्पिटल कर दो, हॉस्पिटल रख लो ना, क्यों खोला है भाई होटल? सर हमारा तो घर ही होटल से चलता है, तो हम तो खोलेंगे अपना होटल। सर आपको नहीं आना चाहिए था ना, आप तो पार्टी दे। क्यों नहीं आना चाहिए था भाई, क्यों नहीं आना चाहिए था? बर्थडे है, मैं जाऊंगा भाई, सबसे बेस्ट होटल, सबसे तुम कहते हो कि हमारे यहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, सब कुछ यहाँ पे कोरोना सर के टाइम पे सबसे अच्छा यहाँ फैसिलिटी मिलती है। बट नहीं भाई, क्या था वहाँ पे? कुछ नहीं था, घंटा कुछ किया तुमने वहाँ? सर देखिए, आपको खाना तो इतना बेस्ट मिला, आपने टिप भी दी थी उस वेटर को खुश होके कि इतना अच्छी। खाने से क्या होता है भाई, कोरोना हो गया तो खाने से क्या होता है भाई? खाना तो खाते, जब जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या खाना घंटे से खाएंगे, बता दो। सर हम आपको इन्फॉर्म कर तो रहे हैं सर, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। 3 दिन बाद इन्फॉर्म कर रहे तू? तो सर हमको भी कल ही पता चला है ना सर, वो बंदा अभी फैमिली है भाई, सीरियस है, फैमिली है, इतने फैमिली मेंबर है, सब लोग इधर उधर जाते हैं, और मैं ऑब्वियसली बिजनेस टूर से जाता हूँ। बट क्या है भाई तुम्हारा, क्या क्या कर रखा है तुमने, मतलब मजाक की गन मचा रखी है पूरी? सर आप पैनिक मत होइए, आपको सर टेस्ट कराना होगा, जरूरी थोड़ी ना कि आपको भी हो जाएगा। अबे दिमाग से पैदल है क्या तू भाई? सर दिमाग, सर आप दिमाग सर तमीज से बात कीजिए, हम आपसे सर सर बात कर रहे हैं। तमीज की तू ना बना लो, ठीक है?
सर, माइंड योर लैंग्वेज सर, क्या आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मैं भाई बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं आऊंगा, बहुत कुछ कर सकता हूँ तेरे साथ, ठीक है? जो तूने यहाँ पे बताया था, जो तुम्हारे नोटिस लगे हुए हैं, जो तुम्हारे उसमें रूल्स हैं, वो तुमने एक भी फॉलो नहीं किया भाई। सर क्या चल रहा है? सर आप पार्टी के लिए तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे, तब तो आप बड़े रोमांटिक हो रहे थे। ओ हेलो, वो मेरा पर्सनल है, ठीक है, वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं रोमांटिक हूँ ना हो, तेरे को क्या करना है उससे? तो सर तेरे को जो काम है तूने वो ठीक से नहीं किया है, समझ गया ना तू? मैं एक पुलिस केस कर सकता हूँ तेरे खिलाफ। सर ऐसा मत करिए सर, हम आपको इन्फॉर्म कर तो रहे। नहीं तो भाई अभी क्यों कर रहा है? 3-4 दिन बाद और करता है इन्फॉर्म, जब 10-15 दिन हो जाते फिर करता है इन्फॉर्म, ताकि और लोग हो जाते कोरोना से, ऐसे पॉजिटिव हो जाते सब लोग। तुम ऐसे लोगों की वजह से आज इंडिया में कोरोना इतना ज्यादा फैल चुका है, ठीक है ना, समझ रहे हो तुम? हेलो सर, मिस्टर पीयूष। हाँ जी सर, ये एक प्रैंक कॉल था, आपके फ्रेंड ने हमें करने के लिए बोला था, क्योंकि आप अपने फ्रेंड को पार्टी नहीं देते लेकिन गर्लफ्रेंड को जरूर पार्टी देते। भाई यार कैसे प्रैंक कॉल कर रहे हो यार? देखो जैसे मैं किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, प्रैंक कॉल यार गलत बात है। आपने दुश्मन की तरह काम करा है दोस्तों के, आपने अपने दोस्तों को पार्टी नहीं दी लेकिन गर्लफ्रेंड को आप होटल में लेके गए थे, तो थोड़ा मजा ले रहे थे हम भी। अरे यार भाई दोस्तों को तो बचपन से देते हुए आ रहा हूँ यार, फर्स्ट टाइम है तो दोस्तों को मत भूलिए ना, दोस्त बचपन से जा रहे थे, गर्लफ्रेंड तो कल को छोड़ के चली। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। यही थी हमारी एक प्रैंक कॉल, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपको भी अपने दोस्त को ऐसी हलाल कराना है तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहां मैसेज करें, हम लेंगे उससे मजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। She dances, she makes me mad. Como se llama?